मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस लाल बटन को दबाकर, ये बिल्कुल फ्री है, और बगल में जो बेल आइकन है इसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें मेरी रेसिपी को सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाने जा रही हूँ हॉट चिली चिकन, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.25 किलो के करीब चिकन लिया है। इस तरीके के पीसेस है, बड़े हैं, मीडियम साइज़ के, और उसके अलावा यहाँ पर मैंने टमाटर 3 टमाटर को इस तरह से रफली चॉप किया है। इसके साथ हम जो साबुत लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है, ये 5-6 ली है। इसे मैंने रोस्ट कर लिया है तवे पर, और ये कुछ लहसुन की जवे है, ये 12 से 15 तक जवे है, इसे भी मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। इन तीनों चीज़ों को हम पीसने वाले हैं, और उसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 टमाटर इस तरीके से बारीक चॉप कर लिए हैं, ये हम बघार में ऐड करेंगे, और प्याज भी 1 लिया है इस तरीके से स्लाइस कर लिया है, ये भी बघार में लेंगे हम। उसके अलावा बघार में हमें चाहिए, उसके अलावा यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून जितना ज़ीरा लिया है, क्यूमिन सीड्स, और 3-4 बे लीफ लिए हैं, तेज पत्ते, इसे भी हम बघार में ऐड करने वाले हैं। और उसके अलावा मसालों में मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, ये चाहे तो आप ना ऐड करें, लेकिन मैं थोड़ा तीखापन के लिए ऐड करने लगी हूँ, ये तीखी नहीं है, ये कश्मीरी है इसलिए। और उसके अलावा यहाँ पर 2 टीस्पून जितना कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर, पिंच से थोड़ा ज़्यादा गरम मसाला है, ऑल स्पाइसिस पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून है, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट 1.5 टीस्पून है, ये आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स भी लिए हैं, ये 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, आप चाहे तो ये भी ऐड नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन इससे बड़ा अच्छा लुक आता है उसका, ये ऐड करते हैं हम तो इसका कलर और लुक बहुत अच्छा हो जाएगा इससे, तो ये भी मैं ऐड करूँगी इंशाल्लाह इसमें, और ऑयल लगेगा हमें। तो सबसे पहले हम इसे प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, ये काफ़ी इजी और झटपट बनने वाली चिकन की रेसिपी है, तो आई होप आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे इसे। तो आइए हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून शुगर यानी शक्कर ली है, ये भी अवॉइड कर सकते हैं आप, लेकिन इसका बहुत अच्छा जायका आता है, हॉट चिली चिकन में शुगर डलती है, ये बहुत अच्छी लगती है उसमें। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने मेरा होममेड तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला लिया है, आप इसका वीडियो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, या तो आप कोई भी रेडीमेड मसाला चिकन का ले सकते हैं, या फिर आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ये भी हम ऐड करने वाले हैं उसमें। और उसके अलावा लेमन जूस लिया है मैंने, 2 टीस्पून जितना लेमन जूस लिया है, ये भी हम ऐड करेंगे। और लास्ट में हम कोरिएंडर लीव, धनिया के पत्ते बारीक चॉप करके ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। और ये देखिए, मैंने आपको जो टमाटर दिखाए थे वो मैंने मिक्सी जार में ऐड कर दिया, इसमें मिर्च और लहसुन ऐड करके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे, और इसमें लहसुन भी ऐड कर देते हैं हम, 1/2 करके हम पीसेंगे क्योंकि ज़्यादा है, तो इसे पीस लेते हैं हम। ये देखिए, प्रेशर कुकर मैंने रख दिया है, अभी इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें मैंने बे लीफ दिखाए थे वो ऐड कर देंगे, और ज़ीरा क्यूमिन सीड्स ऐड कर देंगे, इसे हल्का सा भून लेंगे। अभी इसमें प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बिरस्ते के जैसा नहीं, थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है हमें, तो इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, ऑनियन का कलर चेंज हो चुका है, ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अभी हम इसमें टमाटर और जो सूखे मसाले मैंने बताए थे वो हम ऐड कर देंगे इसमें, और
टमाटर के अंदर हम इसे अच्छे से भून लेंगे मसाले को, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, तो टमाटर गल जाने तक हम इसे भून लेंगे। और इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जितना तंदूरी मेरा होममेड मसाला है वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और आप कोई भी चिकन का मसाला ले सकते हैं इसकी जगह पर, या तो फिर आप ना ऐड करें, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कोई भी मसाला ले सकते हैं, या तो फिर आप अवॉइड भी कर सकते हैं, तो इसके बिना भी बहुत अच्छा जायका आएगा उसका। लेकिन मैं हमेशा इसमें ऐड करती हूँ 1 टेबल स्पून जितना। तो पहले इसे भून लेते हैं हम। ये देखिए मसाला भून चुका है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा टमाटर गलाने नहीं हैं। और इसमें हमने जो मसाला पीसा था उसका लुक कुछ इस तरीके से आता है, ये बहुत अच्छा टेम्पटिंग लग रहा है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे इसी स्टेज पर, और इसे भी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल थोड़ा भून लेंगे। चार में इसे पीसा था उसे में हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे ऐड कर दी। इसे भूनते भूनते ही हम इसमें जो है चिकन ऐड कर देंगे इसमें सारा का सारा। और चिकन को हम इस मसाले के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे। और प्रेशर कुकर हम इसमें बना रहे थे, पानी हम थोड़ा एहतियात से डालेंगे क्योंकि चिकन जब गलता है तो उसका भी थोड़ा सा पानी रिलीज करता है। तो बहुत ज़्यादा एकदम से पानी प्लीज़ मत डाल दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह मेजरमेंट बताऊंगी साथ। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है इसमें। तो अभी हम इसमें जितना हमें ग्रेवी बनानी है उतना पानी ऐड कर देंगे, करीब 100 ml के तकरीबन पानी हमने ऐड किया है इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने आपको धनिया के पत्ते दिखाए थे, अभी भी थोड़ा ऐड करेंगे और लास्ट में हम गार्निशिंग में भी थोड़ा ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम तकरीबन 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। सिर्फ 2 सीटी पहले लगा के हम चेक कर लेंगे इसे चिकन हमारा टेंडर हो गया है कि नहीं। 2 सीटी लगा लेते हैं, फिर उसी के प्रेशर में उसे छोड़ देंगे और फिर लास्ट में हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो इसे 2 सीटी लगा लेते हैं। ये देखिए इसमें प्रेशर हो चुका है, मैंने उसी के प्रेशर में इसे छोड़ दिया था 2 सीटी लगा कर। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसे करके। वाह, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, देखिए कितना अच्छा उसका सालन रेडी हुआ है। ये देखिए बिल्कुल टेंडर हो चुकी है चिकन हमारी, इससे ज़्यादा मज़ीद टेंडर नहीं करेंगे हम। मैंने जो शुगर दिखाई थी वो इस स्टेज पे ऐड कर दूंगी मैं, ये भी काफ़ी गर्म है तो ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और जो मैंने आपको लेमन जूस दिखाया था वो भी मैं अभी ऐड करूँगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर और लेमन जूस ऐड किया है तो इसे हम इस तरीके से उबाल लेंगे 3 से 4 मिनट, फिर इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे उबाल लिया है 3 से 4 मिनट, अभी हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए तैयार है मज़ेदार सी हॉट चिली चिकन। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप इसे तंदूरी रोटी, नान या परोठे के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है उसके कॉम्बिनेशन के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले अगर मेरी रेसिपी से अच्छी लगी है तो। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और मुझे और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। आपका और आपकी फ़ैमिली का ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।